रोजाना ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टॉक न्यूज़ को और दबाएं इस घंटे को ताकि आपको मिले रोजाना नए नए अपडेट्स। पूरी हुई नीता अंबानी की इच्छा, मुंबई इंडियंस में शामिल हो रहा है वो शख्स जिसका सबको इंतजार था। आईपीएल के सीजन में मुंबई इंडियंस को वांगेड़े स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ खेले गए अपने चौथे मैच में पहली जीत मिली। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि चौथे मैच में मुंबई अपनी पुरानी असफलता को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करने की कोशिश करेगी। अपने घर में खेलते हुए उसे इसका फायदा भी मिल सकता है। पिछले सीजन की चैंपियन मुंबई की शुरुआत इस सीजन में अच्छी नहीं हुई। चेन्नई के साथ हुए आईपीएल के पहले ही मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा था। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर इस समय मुंबई इंडियंस के मेन टोर हैं। अब सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी मुंबई इंडियंस की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी टीम भी जोर शोर से उनके साथ खेल रही है। मुंबई की बल्लेबाजी की ताकत इविन लुइस, रोहित शर्मा और केरन पोलार्ड हैं। टीम की जीत के लिए इन तीनों का परफॉर्म करना बेहद जरूरी है। वहीं हार्दिक पांड्या और एक भाई कृणाल पांड्या भी बल्ले से तूफानी अंदाज में प्रदर्शन कर सकते हैं। बताते चलें कि क्रिकेट जगत के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर इस समय मुंबई इंडियंस के मेन टोर हैं। खास बात तो ये है कि सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी मुंबई इंडियंस की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। अर्जुन अपने पिता के सपने पूरे करने के क्रिकेट को लेकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सचिन का सपना है कि उनका बेटा भी उनकी तरह विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटर बने। अर्जुन को कुछ दिन पहले ही इंग्लैंड में अंग्रेज बल्लेबाजों को नेट पर गेंदबाजी करते हुए देखा गया था। तब वो मुंबई घरेलू सर्कल में सभी ने यही अनुमान लगाया कि अर्जुन मैच खेलने के लिए इंग्लैंड गए हैं। वैसे अर्जुन इस लीग के खेलने के लिए बहुत ही उतावले थे, लेकिन वह इंग्लैंड में किसी खास मकसद के साथ गए थे और अभी भी इस मकसद को अंजाम देना बाकी है। यही वजह रही कि फ्रेंचाइजी टीमों को भेजे गए 900 नामों में अर्जुन तेंदुलकर का नाम शामिल ही नहीं किया गया। खबरों के अनुसार तो अर्जुन को फिटनेस संबंधी कोई भी समस्या नहीं है, वह पूरी तरह फिट है, इसलिए उन्हें अपने मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आईपीएल में भी कई सारे टीम के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। आईपीएल को भारत में काफी पसंद किया जाता है और नए खिलाड़ी को टीम में प्रवेश करने के लिए यह अच्छा मौका होता है। जानकारी के लिए बता दें कि आईपीएल को बक्सी द्वारा ही संचालित किया जाता है। इस बार आईपीएल का नया सीजन शुरू हो चुका है और अर्जुन भी वहां दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन को देख नीता अंबानी बेहद खुश हैं क्योंकि वो चाहती है जल्द से जल्द अर्जुन उनकी टीम में शामिल हो जाए। वहीं अब मुंबई को अगला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के साथ सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर में खेलना है।